स्वातंत्र वीर सावरकर जी के 52वें आत्मार्पण वर्ष के उपलक्ष्य में आज का ये प्रोग्राम हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवत सेवा की है। ये उद्गार थे स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के। स्वातंत्र वीर सावरकर जी की ये रचना किसी महाकाव्य से कम नहीं। आइए सुनते हैं स्वराधीश डॉक्टर भरत बड़वल्ली जी से ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला। स
सागरा प्राण तळमळलाने मजसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगला गीत पेश करते हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर विज्ञान निष्ठ जरूर थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे नास्तिक थे। वे ईश्वर की संकल्पना में विश्वास रखते थे, पर ईश्वर की उनकी व्याख्या व्यापक थी, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, जिसका न कोई आदि है न अंत है। ऐसे परमात्म तत्व पर उनकी श्रद्धा थी। अब जो गीत आप सुनेंगे वो परमात्मा की यानी अनादि अनंत की आरती है, जिसे पेश करने के लिए यहाँ पधार रही हैं पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी।
राधा जी, राग यमन, आपकी मीठी आवाज़ और भरत जी की ये सुंदर तर्ज। आपके सामने आ रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक स्वप्निल बांदोडकर जी। स्वदेश हिंदुस्थान अमुचा स्वदेश हिंदुस्थान
स्वदेश हिंदुस्थान, आमचा स्वदेश हिंदुस्थान, आम्हा हिंदूंचा तो केवळ होय जीव की प्राण, स्वदेश हिंदुस्थान, आमचा स्वदेश हिंदुस्थान. देवालय हे पवित्र पुल्या देवाचे सुमहान, देवालय हे पवित्र पुल्या देवाचे सुमहान, हा वाड वडिलांचे हे स्वर्गमृतांचा जाण, स्वर्गमृतांचा जाण, चिल्ल्या पिल्ल्यांची दाई अपुल्या, चिल्ल्या पिल्ल्यांची दाई अपुल्या, प्रेमाचे उद्यान, प्रेमाचे उद्यान, सत्तापुली मत्तापुली, सत्तापुली मत्तापुली, ही रत्नांची खाण, ही रत्नांची खाण, कुणी हिरावुनी नेऊ बघता, कुणी हिरावुनी नेऊ बघता, रक्षु अर्पुनी प्राण, रक्षु अर्पुनी प्राण, आमचा स्वदेश हिंदुस्थान, आमचा स्वदेश हिंदुस्थान, आम्हा हिंदूंचा तो केवळ होय जीव की प्राण, स्वदेश हिंदुस्थान, आमचा स्वदेश हिंदुस्थान, आमचा स्वदेश हिंदुस्थान. ज्येष्ठ पार्श्वगायक सुरेश वाडकर जी यहां पधारे, फिर से एक बार आपका स्वागत. ये हिंदुस्तान
ही पाओगे महशर में जवां मेरी बयां
नहीं पाओगे महशर में जवां मेरी बयां मेरा। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यानंतर मी सुप्रसिद्ध पार्श्वगायिका साधना सरगम यांना आमंत्रित करते आणि अतिशय महत्त्वाचा विचार सावरकरांनी मांडलेला आहे की शत्रुओं के आक्रमण से जितना जिनका खून नहीं खौलता, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिनके कदम नहीं बढ़ते, उन्हें जिंदा कहना मुश्किल है। ये रचना जो अभी आप सुनेंगे उसमें यही विचारधारा है।
साधना जी आप यहाँ बने रहिए, मैं वैशाली जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। अगला गीत आप दोनों मिलकर गाएंगी। जगत
आखिरी गीत की ओर आपको लिए आ रही हूँ। ये एकता गान है, तुम ही आम ही सकल हिंदू, और इसी गीत के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर। लेकिन उसके पहले तुम ही आम ही सकल हिंदू, बंधु बंधु। क्षत्रिय चांग जरी झाला ब्राह्मण वा क्षत्रिय चांग जरी झाला कसले ही रूप वारंग जरी ल्याला कसले ही रूप वारंग जरी ल्याला तो कला ही एकची आई हिंदू जाती आम्ही तिला वंदू तुम्ही आम्ही
कची देश हा आपुल्या प्रेमाचा एकची छंद जीवाचा कवनाचा एकची धर्मही आम्हा सकला आम्हा सकलांचा ही हिंदू जातीची गंगा ही हिंदू जातीची गंगा आम्ही तिचे सकल बिंदू तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू उभयांचे खोडावे उभयानी दोष उभयांचे खोडावे द्वेषासी दुष्ट रूढीसी सोडावे द्वेषासी दुष्ट रूढीसी सोडावे सख्यासी आईच्या साठी जोडावे सख्यासी आईच्या साठी जोडावे आम्ही अपराधासी विसरूनी प्रेमा पुन्हा साधू तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू पिता आपुला चला तया बंधू तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू एक पाऊल पुढे।